वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। जी हाँ दोस्तों, इंतजार हुआ खत्म। जिस मूवी का था पूरे देश को इंतजार, आज आखिरकार वो मूवी रिलीज हो ही गई। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर जिन लोगों ने मूवी देखी है उनसे जानने आए हैं, इतना विवाद जो इस मूवी पे हो रहा है, क्या वो ठीक है या भगवा बिगनी को चेंज किया गया है या नहीं। वॉर जैसी फिल्मों में अपनी एक्शन थ्रिलर का जलवा बिखेर चुके डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद की पठान मूवी रिलीज हो चुकी है। मूवी ने पहले ही दिन उम्मीदों से ऊपर की कमाई कर दिखाई। सिद्धार्थ की इस फिल्म में आपको जिस मसाला फिल्म की उम्मीद है वो भरपूर मात्रा में है। पावर पैक्ड एक्शन, एक्सोटिक लोकेशन, रोमांस, कॉमेडी, डायलॉगबाजी, सब कुछ है। फिल्म का मजबूत पक्ष इसका BFS, सिनेमेटोग्राफी, एक्शन सीक्वेंस और म्यूजिक है। दुबई, पेरिस, अफगानिस्तान हो या अफ्रीका की सिनेमेटोग्राफी से हर फ्रेम पर शहर और लोकेशन की भव्यता खूबसूरत दिखी है। पठान की रिलीज पर भारी संख्या में लोग मूवी देखने पहुंचे, जिसका जायजा लिया हमारी संवाददाता नीलोफर अंसारी ने। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं PVS मॉल के ठीक बाहर। देश का इंतजार आज खत्म हो चुका है, पठान मूवी रिलीज हो चुकी है। फिल्म कितने करोड़ की कमाई करेगी, क्या फिल्म 500 करोड़ से ऊपर पहुंचेगी या नहीं, क्या फिल्म इंटरनेशनल लेवल पर अपना धमाल दिखाएगी या नहीं, ये सारे सवाल सभी के मन में चल रहे होंगे और इसका जवाब बहुत ही जल्द आपको मिलने वाला है। थोड़ी ही देर में, बहुत कम समय में यहाँ पे शो छूटने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं, छूट ही गया है ऑलमोस्ट। जैसा कि सभी का इंतजार खत्म हो चुका है, यहाँ पर शो देखकर लोग आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं, पठान मूवी का एक्शन कैसा रहा? बढ़िया मूवी है। क्या, किसका एक्शन ज्यादा दमदार था? जॉनी इब्राहिम का। मूवी क्या थी, मतलब ये बोल रहे थे कि मूवी का बॉयकॉट होना चाहिए, बॉयकॉट होने लायक थी मूवी? क्यों, अच्छी मूवी है, बॉयकॉट किस सीरीज पे होनी चाहिए? अच्छा, कितने करोड़ तक जाएगी? रिकॉर्ड तोड़ेगी 1000 से ऊपर। सर बहुत तगड़ी आतंग है, इसके जैसी मूवी नहीं देखे आप ना देखे। बताओ सर, क्या स्टोरी है थोड़ी बताइए। ये तुम बात कौन है आतंकवादी? सबसे महीना, सबसे जो महीना भाई हमारा किंग खान है, बस। किंग खान की एक्टिंग आपको सबसे ज्यादा दमदार लगी? सुपर दीपिका से क्या, सबसे ज्यादा फैन हो गया, आपसे शादी करूंगा जाके भाई, अभी जा रहा हूं, बिल्कुल चली जाएगी। अच्छा, ये जो बोले थे दीपिका की भगवा बिकनी बदली जाएगी, कितनी जगह, कितनी बार पहनाई गई उसको भगवा बिकनी? एक बार ही गए हैं, एक ही गाने में बस। और कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है। मूवी है बहुत जबरदस्त, सबके रिकॉर्ड तोड़ देगी। किंग खान, सब किंग खान के पहले से फैन है, ऐसे देखने के बाद? नहीं, पहले से ही फैन है ऑलरेडी। अच्छा, इसलिए आप मूवी देखने के लिए आए? जी। दीपिका के फैन थे? नहीं, शाहरुख खान, ओनली फॉर किंग खान। किंग खान के लिए? यस। और जॉनी इब्राहिम के एक्शन कैसे रहे मूवी में? बहुत जबरदस्त, बेशक, बिल्कुल। कितने करोड़? सबके रिकॉर्ड तोड़ेगी। तो प्रमोशन इतना हो गया था, ये तो इंटरनेशनल लेवल पे तो खुद जा चुकी है। सबसे जो टॉपर गई बाहुबली गई, उसका रिकॉर्ड तोड़ेगी? उसका रिकॉर्ड तोड़ेगी, बहुत जबरदस्त तरीके से। किंग खान से भी ऊपर जाएगा? किंग खान इस बार? किंग खान ऊपर जाएगा, किंग खान है, किंग खान का कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता। किंग खान तो है ही ऊपर सलमान खान। दीपिका का एक्शन कैसा रहा इसमें? बढ़िया, मस्त। दीपिका ने भी फाइट किया थोड़ी बहुत? मस्त फाइट की है दीपिका ने? जी, इसमें शाहरुख सलमान और ऋतिक के फैंस के लिए कुछ सरप्राइज था लास्ट में, ऐसा कुछ आगे साथ में आएंगे? क्या सरप्राइज है? शाहरुख खान ने सरप्राइज बोला कबीर के लिए कि अब हमारी एज हो चुकी है, तब हम किसी नए को लेकर आएंगे। वो ऋतिक रोशन, टाइगर और कबीर दोनों साथ में आएंगे? कबीर आएंगे, तीनों आएंगे। अच्छा, तीनों आएंगे नेक्स्ट मूवी में? तीनों आएंगे। जैसा कि आप सभी ने देखा, यहाँ पर पठान मूवी को देखने के बाद लोग बाहर आए हैं और उन्होंने बताया कि पठान अब तक की सारी मूवी का रिकॉर्ड तोड़ेगी, बाहुबली से ऊपर जाएगी, इंटरनेशनल लेवल तक जाएगी। और ये मूवी में शाहरुख खान का एक्शन सबसे ज्यादा दमदार है। जो शाहरुख खान के फैन नहीं थे, इस मूवी को देखने के बाद वो भी शाहरुख के फैन हो गए। कैमरामैन अर्जुन के साथ मैं नीलोफर अंसारी, फर्स्ट फाइट टीवी। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट, जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।